हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, अ पिंडारिक ओड रिटन बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे एक इंग्लिश पोइट और लेटर राइटर थे। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक पिंडारिक ओड है जिसे पब्लिश किया गया था 1757 में। इस टाइटल का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें एक्चुअली इस पोएम के थ्रू पोइट ने हमें ये दिखा है कि कैसे पोइट्री का ओरिजिन जो है वो ग्रीक माना जाता है, मतलब पोइट्री का जन्म जो है वो ग्रीक में हुआ था। ग्रीक से वो इटली तक कैसे पहुंची पोइट्री, और वो कैसे डेवलप होते गई जब वो इटली में आई, और फिर इटली से जब वो ब्रिटेन में पहुंची पोइट्री, या फिर हम इंग्लैंड में कह सकते हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, वो प्रोसेस हमें इसके थ्रू देखने मिलेगा। अब पिंडारिक ओड, एक्चुअली ओड्स की तीन टाइप होते हैं, जिसमें से पिंडारिक ओड जो है वो फॉलो करता है द ग्रेट पोइट पिंडार को। पिंडार जिस तरीके से ओड्स लिखते थे उस तरीके से लिखा गया जो ओड होता है उसे पिंडारिक ओड कहा जाता है। इसमें हर एक जो पार्ट होता है ओड का, तीन पार्ट्स जैसे ओड में है, तो हर एक पार्ट को तीन सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। तो उसी तरीके से इस ओड को भी लिखा गया है। अब ये जो थॉमस ग्रे थे, एक्चुअली इन्होंने जब इस ओड को लिखा, तो अगर हम फॉर्म देखेंगे तो ये क्लासिकल फॉर्म है। फॉर्म में जो है वो क्लासिसिज्म फॉलो किया गया है, लेकिन अगर हम इसका थीम स्टडी करेंगे, इसको जब हम पढ़ेंगे, तो हमें दिखेगा कि इसमें जो है वो रोमांटिसिज्म है। तो इट्स अ ट्रांजिशनल पोइट्री, वी कैन से। तो इस पोएम के थ्रू हमें पोइट्री का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, पोइट्री इन इट्स इन्फेंसी टू पोइट्री इन क्लासिसिज्म टू पोइट्री इन रोमांटिसिज्म। इसी को हम कह सकते हैं पोइट्री का जर्नी ग्रीक से लेके इटली तक और इटली से लेकर ब्रिटेन तक। ओके, सो लेट्स बिगिन। मैं लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन कई सारे एलिजन्स हैं तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एलिजन्स है वो अगर आपको समझे तो ही आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिख पाएंगे या पोइट्री को इलाबोरेट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। अवेक एओलियन लायर अवेक। अवेक का मतलब होता है जागो। एओली ये ग्रीक गॉड का नाम है। लायर का मतलब होता है एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार लगे होते हैं। ओके, तो जागो एओलिन के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर वीना जागो एंड गिव टू रप्चर ऑल द ट्रेम्बलिंग स्ट्रिंग्स। रप्चर का मतलब होता है परमानंद, एक्सटसी। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कंपन, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है तार। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि ही इज स्टार्टिंग द ओड, सो ही इज आस्किंग फॉर द ग्रीक गॉड्स एओलिन लायर्स स्ट्रिंग्स टू गिव द एक्सटसी। तो पोएट कह रहे हैं कि जागो एओलिन के लायर जागो और परमानंद दो ऑल द ट्रेम्बलिंग स्ट्रिंग्स, तुम्हारे सारे कंपन पाने वाले तारों को, तुम्हारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तारों को तुम क्या दो, परमानंद दो। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो परमानंद थ्रू आउट जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उनमें वो परमानंद पहुँचेगा। फ्रॉम हेलिकॉन्स हारमोनियस स्प्रिंग्स। हेलिकॉन ग्रीक माइथोलॉजी में हेलिकॉन एक माउंटेन है और उसमें दो पवित्र झरने जो है वो बहते हैं जिनका नाम है एग्निपे और हिप्पोक्रेन। अब माना जाता है कि ये जो पवित्र झरने हैं इनका जो पानी है उसे अगर कोई पी ले या अगर वो पानी किसी को स्पर्श कर ले तो वो इंसान जो है वो उसे महान कविता लिखने की जो है वो प्रेरणा मिलती है, मतलब वो एक अच्छी कविता लिख सकता है। तो ऐसा बिलीफ है। तो उस बिलीफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोएट ने लिखा है कि हेलिकॉन से बहने वाले हारमोनियस जो है मधुर जो झरने हैं उनसे क्या होता है, 1000 rills देयर मेजी प्रोग्रेस रेट्स। उस हेलिकॉन माउंटेन में से, पहाड़ में से हजारों रिल्स, मतलब स्मॉल रिवर्स जिसे हम उपधाराएं कह सकते हैं, हजारों उपधाराएं बहती है देयर मेजी प्रोग्रेस ट्रिक। मेजी प्रोग्रेस का मतलब है ऐसे जिगजैग करते हुए बहती है प्रोग्रेस ट्रिक। द लाफिंग फ्लावर्स, अभी हमें फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया गया है कि वो हंस रहे हैं। द लाफिंग फ्लावर्स दैट राउंड देम ग्लो। अब क्या होता है कि आसपास ये जो उपधाराएं बह रही है उनके आसपास खुश नजर आने वाले फूल खिले दिखाई देते हैं। ड्रिंक लाइफ एंड फ्रेग्रेंस एज दे फ्लो। और ये जो धाराएं है या ये जो स्प्रिंग है, झरने हैं, ये जब बहते हैं तो बहते हुए ये क्या ग्रहण करते हैं, जीवन। आसपास जो भी फूल है, पौधे हैं, इनको ये जीवन प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस लाइफ को टच। नाउ द रिच स्ट्रीम ऑफ म्यूजिक विंड्स अलोंग। और अब ये स्ट्रीम ऑफ म्यूजिक, अब यहाँ पे झरने को स्ट्रीम ऑफ म्यूजिक कहा गया है। यहाँ पर अभी झरना जो है
अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ये झरना है, स्प्रिंग है, लेकिन इसका अगर सिंबॉलिक मीनिंग देखेंगे तो ये एक्चुअली पोइट्री है। झरने का मतलब यहाँ पर पोइट्री है। पोइट कह रहे हैं कि द रिच स्ट्रीम ऑफ म्यूजिक, नाउ हियर द पोइट्री इज कंपेयर टू म्यूजिक। ये जो झरना है पोइट्री का, ये कैसा है, संगीत से परिपूर्ण है। विंड्स अलोंग, विंड्स मतलब ये अब घुमावदार तरीके से बहता है, अलोंग डीप मैजेस्टिक स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग। और ये जो पानी का या जो पोइट्री का ये जो झरना है, ये कैसा है, डीप है, गहरा है, मैजेस्टिक है, उदात्त है, स्मूथ है, सॉफ्ट है एंड स्ट्रांग, लेकिन मजबूत है। थ्रू वर्डेंट वेल्स, अब ये कहाँ से बहता है कि वर्डेंट का मतलब होता है ग्रीन विथ वेजिटेशन, ऐसी जगह जहाँ पर ढेर सारी हरियाली हो। वेल्स का मतलब होता है घाटी। एंड सीरियस गोल्डन रेन, सीरियस का मतलब होता है गॉडेस ऑफ अर्थ, गोल्डन रेन मतलब सुनहरे कलर का राज्य। तो इसका टोटल मीनिंग देखते हैं कि ये जो झरना है जो कि गहरा है, उदात्त है, स्मूथ है, सौम्य है और लेकिन मजबूत है, वो हरी भरी घाटियों से और जो कि पृथ्वी की जो देवता है उसके स्वर्ण राज्य में से, मतलब इस धरती पे से सब तरफ से बहता हुआ, नाउ रोलिंग डाउन, नीचे बहते हुए आता है, रोलिंग डाउन द स्टीप, स्टीप का मतलब होता है पहाड़ों की ढलान से, पहाड़ों की ढलान से बहता हुआ, एट फुल स्पीड, एमएन का मतलब होता है फुल स्पीड से बहता हुआ नीचे आता है, हेडलॉन्ग बहुत जल्दी में, इम्पिच्यूस अचानक से, सी इट पोर और उड़ेलता जाता है। अब ये झरना क्या करता है कि सबसे पहले हरियाली हरी भरी घाटियों से, फिर गॉडेस ऑफ अर्थ के स्वर्ण राज्य में से बहता हुआ नीचे आता है पहाड़ों की ढलान से पूरी स्पीड से, और बहुत जल्दी में अचानक से ये अपना पानी जो है वो उड़ेलता है। पोर मतलब उड़ेलना। द रॉक्स एंड नॉडलिंग ग्रोज, द रॉक्स अब पहाड़िया एंड द नॉडलिंग ग्रोज, नॉडलिंग मतलब हिलते हुए वृक्ष, ग्रोज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्रीज, या फिर हम इसे उपवन या बगीचा भी कह सकते हैं। पहाड़ी और हिलते हुए वृक्षों से री बेलो टू द रोअर, री बेलो का मतलब होता है री इको करना, बेलो का मतलब होता है चीखना या गरजना, और री बेलो का मतलब होता है री इको। तो ये जो पानी के उड़ेलने की जो आवाज़ है वो पहाड़ी और हिलते हुए ये पेड़ जो है उनमें से क्या होती है, ये जो गर्जन है पानी के गिरने का, ये री इको होता है। अब यहाँ पर पोइट्री जो इसे कंपेयर किया गया है स्प्रिंग के साथ में, जब यहाँ पे सीरियस गॉडेस, द गॉडेस ऑफ अर्थ की बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोइट्री है ये दुनिया में सब तरफ फैली हुई है और उपधाराओं के रूप में बहती है, मतलब कविता जो है वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग राइम्स में, न जाने कितने ही तरीके से, अलग अलग मोड्स में कविता जो है वो बहती हुई पूरी दुनिया में रहती है। और ये जो कहा गया है कि कभी इसका फ्लो जो है वो स्मूथ है या स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि, और ये जो द साउंड ऑफ वाटर और रोरिंग ऑफ नेचर जो आखिरी लाइन में कहा गया है, उसका मतलब ये है कि पोइट्री का इफेक्ट भी ऐसा ही है, कभी तो ये माइल्ड भी हो सकता है और कभी ये स्ट्रांग भी हो सकता है। ओके, तो ये था फर्स्ट स्टांजा। अब देखते हैं सेकेंड स्टांजा। अब सेकेंड स्टांजा में पोइट जो है वो हमें बताते हैं कि पोइट्री का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि वो ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। ओके, पोइट्री जो है वो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेकेंड स्टांजा। ओ सॉवेरियन ऑफ द विलिंग सोल, अब पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जो कि क्या है, सॉवेरियन है, मतलब जिसका सार्वभौम, एक हम ये कह सकते हैं कि अधिकार, एकमेव अधिकार है ऑफ द विलिंग सोल। तुम क्या करती हो, पोइट्री को भी यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि तुम क्या हो, आत्मा की देवी हो, विलिंग सोल मतलब तुम सभी विलिंग सोल को जो कंट्रोल करती हो। पेरेंट ऑफ अ स्वीट एंड सॉलेम ब्रीदिंग ईयर्स, तुम क्या हो, पालन करती हो, पेरेंट का मतलब पालन पोषण करने वाली, तुम पेरेंट हो मधुर और सॉलेम मतलब गंभीर, ब्रीदिंग ईयर्स संगीत की, यहाँ पे ब्रीदिंग ईयर्स का मतलब होता है संगीत जो कि सांसों से कनेक्टेड यहाँ पे बताया गया है। तो मधुर और गंभीर संगीत जो है, ब्रीदिंग ईयर्स जो कि हर इंसान में होता है, इंचांटिंग शेल, तुम उस पर प्रभाव डालती हो। ओके, मतलब ये पोइट्री इतनी पावरफुल है कि जो भी ब्रीदिंग है, मतलब जो भी जिंदा है, उस पर ये अपना इंचांटिंग प्रभाव डालती है। द सलन केयर्स, द सलन केयर्स, सलन का मतलब होता है निराशाजनक और केयर्स का मतलब होता है चिंता या फिर हम विचार कह सकते हैं। तो ये जो निराशाजनक चिंताएं हैं जिनसे हमें निराशा मिलती है चिंता करने से, तो ऐसी चिंता या ऐसे विचार, एंड
फ्रेंटिक पैशंस, फ्रेंटिक का मतलब होता है उदंड, पैशंस मतलब भावना है, हियर द सॉफ्ट कंट्रोल, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, कंट्रोल का मतलब होता है प्रभाव। तो ये जो निराशाजनक विचार है या फिर उदंड भावना है इंसान में, वो भी तुम्हारे कोमल प्रभाव में, प्रभाव के सामने निष्प्रभ्र हो जाती है, मतलब तुम्हारे कंट्रोल को वो भी एक्सेप्ट करती है, सुनती है। ऑन थोराशियस हिल्स द लॉर्ड ऑफ वॉर, अब थोराशिया जैसे, ये भी अगेन माइथोलॉजी को रेफर करता है कि थोराशिया हिल जो है उसके ऊपर द लॉर्ड ऑफ वॉर, युद्ध की जो देवता है, जिसे मंगल माना, मंगल को युद्ध की देवता माना जाता है, द लॉर्ड ऑफ वॉर हैज कर्ब्ड द फ्यूरी ऑफ हिज कार, कर्ब्ड का मतलब होता है मंद कर देना, कंट्रोल कर देना, द फ्यूरी मतलब वेग जो है, और कार मतलब रथ। तो भगवान जो युद्ध के देवता है, उन्होंने भी क्या किया है कि थोराशियस हिल पे अपना जो पूरी स्पीड में चलता हुआ रथ है उसकी स्पीड को भी उन्होंने मंद कर दिया है या शांत कम कर दिया है। एंड ड्रॉप्ड हिज थर्स्टी लांस एट द कमांड, और ड्रॉप्ड का मतलब होता है नीचे डाल देना, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, लांस का मतलब होता है भाला, एट द कमांड मतलब दाय मतलब तुम्हारी, और कमांड का मतलब होता है आज्ञा। तो ये जो लॉर्ड ऑफ वॉर है, इसने क्या किया है कि अपने रथ की गति को कम कर दिया है, और अपना जो खून के लिए प्यासा जो भाला है, मतलब युद्ध को जाने से पहले जो खून के लिए प्यासा जो उसका भाला है, उसे भी नीचे डाल दिया है तुम्हारी आज्ञा अनुसार। पर्चिंग ऑन द सेप्टर्ड हैंड, पर्चिंग का मतलब होता है सिटी, ऑन द सेप्टर्ड हैंड, सेप्टर आप इमेज में देख सकते हो, और हैंड मतलब हाथ, सेप्टर्ड हैंड, जिस हाथ में सेप्टर है ऐसा हैंड, तो सेप्टर्ड हैंड पर बैठा हुआ ऑफ जोव, किसका है ये सेप्टर्ड हैंड, जोव का मतलब जुपिटर का। अब जुपिटर जो है उसे स्काई और थंडर का भगवान माना जाता है, ओके, और द किंग ऑफ द गॉड्स इन एंशियंट रोम रिलीजन एंड मैथोलॉजी। तो ये जो जुपिटर है, इसके पावरफुल हाथ पर, जिस हाथ में सेप्टर है पकड़ा हुआ है, उस पर एक जोव पक्षी जो है, सॉरी, उस पर एक बाज पक्षी जो है बैठा हुआ है। द मैजिक लल्स द फीदर्ड किंग, फीदर्ड किंग का मतलब यहाँ पे बात की जा रही है बाज पक्षी की। द मैजिक, तुम्हारा जो जादू है, लल्स मतलब शांत करना, द फीदर्ड किंग वो उस बाज पक्षी को जो है वो शांत कर देता है विथ रफल्ड प्लम्स, रफल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, प्लम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फीदर्स। ये जो बाज पक्षी है इसके पंख कैसे है, बिखरे हुए हैं, एंड फ्लैगिंग विंग, फ्लैगिंग का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, विंग का मतलब होता है पंख। तो तुम्हारे मतलब पोएट्री के जादू से क्या होता है कि ये जो भयानक बाज पक्षी है इसके बिखरे हुए पंख जो है वो भी ढीले पड़ जाते हैं। क्वेंच्ड इन डार्क क्लाउड्स ऑफ अ स्लम्बर लाइज, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, क्वेंच्ड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, इन डार्क क्लाउड्स। तो ये जो बाज पक्षी है जो कि युद्ध में अपने जुपिटर भगवान के साथ में जाने के लिए उसके हाथों पर, सेप्टर्ड हाथों पर भयानक रूप से तैयार रहता है, वो भी तुम्हारे म्यूजिक को सुनकर शांत हो जाता है और अपने पंख जो है वो नीचे गिरा देता है, क्योंकि जब पक्षी सोते हैं तो वो अपने पंख नीचे कर लेते हैं, ढीले पड़ जाते हैं उनके पंख, क्वेंच्ड। तो वो पक्षी भी कैसा होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, और जैसे डार्क होने पर मतलब शाम होने पर या अंधेरा होने पर पक्षी जैसे सो जाता है, तो वो भी क्या करता है कि सेटिस्फाइड इन डार्क क्लाउड्स ऑफ अ स्लम्बर लाई, नींद की आगोश में वो सो जाता है। द टेरर ऑफ इज बीक, बीक का मतलब होता है चोच, टेरर मतलब भयानकता, तो उसके चोच की जो भयानकता है, एंड लाइट्स रिंग्स लाइटनिंग्स ऑफ इज आय, और उसके आंखों की जो बिजली जैसी चमक है वो शांत हो जाती है और वो नींद के आगोश में समा जाता है। मतलब पोइट्री में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि युद्ध को जाने के लिए जो युद्ध देवता तैयार है वो भी अपने रथ की गति को कम कर देता है, उसके हाथ में का भाला जो है, जो रक्त पीने के लिए, शत्रु का रक्त पीने के लिए तैयार है, वो भी अपना भाला नीचे डाल देता है, और जुपिटर के हाथों पर बैठा हुआ भयानक बाज पक्षी भी जो है वो अपनी भयानकता को छोड़कर नींद की आगोश में समा जाता है। ओके, तो ये था दूसरा स्टांजा, अब देखते हैं तीसरा स्टांजा। यहाँ पर अभी हमें ये देखने को मिलेगा कि पोइट्री जो है वो कैसे इमोशन से, प्यार के इमोशन से कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पर हमें मेंशन मिलेगा क्यूपिड्स का या फिर गॉड्स ऑफ लव का। ओके, दी द वॉइस, तुम जो एक आवाज हो, द डांस, अगेन पोइट्री की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें द प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री जैसे टाइटल है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोइट्री।
दी द वॉइस, तुम जो एक आवाज हो, द डांस ओबे, जिसको द डांस नृत्य भी क्या करते हैं, ओबे करते हैं, आज्ञा मानते हैं। टेम्पर्ड टू द वार्बल्ले, टेम्पर्ड मतलब थिरकना, टू द वार्बल्ले, वार्बल्ले मतलब टू सिंग सॉफ्टली, एक सॉफ्ट गाना। तो अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज पे नृत्य भी जो है, तुम्हारी आवाज को नृत्य भी जो है वो मानता है और थिरकता है तुम्हारे मधुर गीतों पर। ओवर इडालियाज वेलवेट ग्रीन, इडालिया एक एंशियंट सिटी है साइप्रस में की, वेलवेट का मतलब होता है मखमली, ग्रीन का मतलब है यहाँ पर घास की बात की जा रही है। तो ये जो टेम्पर्ड टू द वार्बल्ले मतलब गॉडेस ऑफ लव जो है क्यूपिड, उसको यहाँ पर रेफर किया गया है। तो ये गॉडेस ऑफ लव क्यूपिड भी क्या करता है कि इडालिया के मखमली घास पर तुम्हारे तुम्हारे मधुर गीतों पर नाचता है। द रोजी क्राउन लवर्स आर सीन, रोजी क्राउन मतलब गुलाबों के ताज पहने, लव्स आर सीन, लव्स मतलब यहाँ पे बात की जा रही गॉडेस ऑफ लव की, और दोज हु आर डांसिंग विद द गॉडेस ऑफ लव, ओके, लव्स आर सीन ऑन सिंथेरियाज डे। अब सिंथेरिया का मतलब यहाँ पे अब बात की जा रही है कि जब एक सेलिब्रेशन किया जाता है सिंथेरिया के डे पर साइप्रस में, तो उस टाइम पर ये जो कपल्स है वो गुलाबों के ताज पहने तुम्हारे सुमधुर गीतों पर नाचते हुए नजर आते हैं। विद एंटिक स्पोर्ट्स, उस टाइम पर उस दिन पर सेलिब्रेशन के वक्त वो एंटिक मतलब प्राचीन खेल खेलते हैं। एंड ब्लू आइड प्लेजर्स, और उन्हें क्या मिलता है इनमें से, ब्लू आइड का मतलब यहाँ पे इनोसेंट, इनोसेंट प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। फ्रिस्किंग लाइटिंग फ्रॉलिक मेजर्स, इनोसेंट प्लेजर्स फ्रिस्किंग लाइट इन फ्रॉलिक मेजर्स, फ्रिस्किंग का मतलब होता है हैप्पीली, फ्रॉलिक का मतलब होता है प्लेफुल वे। और ये जब वो खेल खेलते हैं या जब वो डांस करते हैं तो उसमें से इन्हें एक तरीके का इनोसेंट आनंद मिलता है, मासूम सी खुशी मिलती है, और वो हैप्पीली क्या करते हैं, लाइट इन फ्रॉलिक मेजर्स, हैप्पीली और इन प्लेफुल वे जो कुछ भी वो वहाँ पर कर रहे हैं उसमें से उन्हें खुशी मिलती है और एक तरीके से खेल खेल में वो इसका मजा उठाते हैं। नाउ परसुइंग नाउ रिट्रीटिंग, कभी वो पीछे जाते हैं कभी वो आगे जाते हैं किसी चीज के लिए, नाउ रिट्रीटिंग और कभी पीछे आते हैं। अब यहाँ पर डांस मूव्स की बात की जा रही है। नाउ इन सर्कलिंग ट्रूप्स दे मीट, और ये सब जो डांसर्स है जो उस दिन पर डांस कर रहे सेलिब्रेशन पे, वो कभी सर्कल्स बनाते हैं, दे मीट और वो एक साथ इकट्ठा बीच में आ जाते हैं। टू ब्रिस्क नोट्स इन कैडेंस बीटिंग, ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक नोट्स, नोट्स का मतलब सुर, कैडेंस का मतलब लय, बीटिंग मतलब बजना। अब ये जो पोएट्री या ये जो संगीत उस टाइम पर बजता है उसके ब्रिस्क नोट्स पर क्विक सुरों पर जो कि एक लय में बज रहे हैं। ग्लांस देयर मेनी ट्विंकलिंग फिट, तो हम देख सकते हैं कि उनके जो उन गॉडेस या गॉड के जो शाइनिंग फिट है, चमकते हुए पैर जो है, जब यहाँ पे क्यूपिड की बात की जा रही है, तो उनके जो चमकते हुए पैर है वो हम थिरकते हुए देख सकते हैं। स्लो मेल्टिंग स्ट्रेन, स्लो का मतलब होता है मंद या हम शांत कह सकते हैं। मेल्टिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है सुर, और मेल्टिंग का मतलब होता है क्योंकि म्यूजिक धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। स्लो मेल्टिंग स्ट्रेन देयर क्वींस अप्रोच डिक्लेयर, और इतने में जब ये सेलिब्रेशन चल रहा होता है तो वीनस जो कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी मानी जाती है वो आती है। जब म्यूजिक संगीत कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है और मेलोडियस हो जाता है, मतलब वीनस के आगमन के साथ में ही वहां पे जो बजने वाला संगीत है वो स्लो हो जाता है और मेलोडियस हो जाता है। वेर एवर शी टर्न्स, जहां भी वो मुड़ती है, द ग्रेसेस, ग्रेसेस का मतलब होता है यहाँ पे डॉटर्स ऑफ जियस, जियस अगेन एक गॉड का नाम है ग्रीक माइथोलॉजी में, तो जियस देवता की जो बेटियां है वो होमेज पे मतलब सम्मान देना, वो इस वीनस को जो कि रानी है उसे सम्मान देते हैं। विथ आर्म सबलाइम, सबलाइम का मतलब होता है ऊपर उठाना, यहाँ पर इसका मतलब है ऊपर उठाना, अदरवाइज सबलाइम का मीनिंग होता है महान। विथ आर्म सबलाइम, अपने हाथों को ऊपर उठाए, दैट फ्लोएड अपॉन द एयर, जैसे कि उसके हाथ जो है वो हवा में तैर रहे हो। इन ग्लाइडिंग स्टेट शी विन्स हर इजी वे, अब यहाँ पे शी मतलब वीनस, इन ग्लाइडिंग स्टेट मतलब कोमलता से आगे बढ़ना, शी विन्स हर इजी वे, वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। ओवर हर वॉर्म चिक एंड राइजिंग बुजम मूव द ब्लूम ऑफ यंग डिजायर एंड पर्पल लाइट ऑफ लव, अब सबसे पहले अब ये जो वॉर्म चिक है और राइजिंग बुजम है इसका मतलब है कि वीनस जो है वो
अभी यंग एज में आ रही है, मतलब शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि कोई भी नौजवान अगर उसे देखे तो ही विल फॉल इन लव विथ हर। ओके, द ब्लूम ऑफ यंग डिजायर, उसे देखकर किसी भी यंग नौजवान के दिल में जो वो प्यार की इच्छा जागृत होंगी। एंड द पर्पल लाइट ऑफ लव, अब पर्पल इसलिए लिखा गया है कि इसमें ऐसे रिलेशन की, ऐसे लव की बात की जा रही है जिसमें क्या है, स्पिरिचुअल डेप्थ है, मतलब सिर्फ फिजिकल लव की बात नहीं की जा रही है, ऐसा लव जो कि महानतम हो, जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो, एज वेल एज रिलेशनशिप दैट मे हैव हाई स्टेटस। ओके, तो एक महान उदात्त प्यार की इच्छा जागरूक हो, इतनी सुंदर है वीनस। ओके, तो ये था थर्ड स्टांजा। अब इसके आगे के जो स्टांजर्स हैं वो मैं अगले पार्ट्स में डिस्कस करूंगी, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।